द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। आज दी सड़कनामा .com की टीम मौजूद है सिरसा जिले के डबवाली हल्का में। इस समय मैं गांव खुइया मलकाना में मौजूद हूं और आपको दिखा रहा हूं ये भाखड़ा मैन ब्रांच है। करीब एक साल पहले आपने इसी स्पॉट पे जहां मैं मौजूद हूं सिंचाई विभाग के 5 चीफ इंजीनियर देखे थे और ये मामला था कि इसी खुइया मलकाना से एक नहर निकालने का, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आदित्य चौटाला चाह रहे थे कि इस खुइया मलकाना गांव से होकर के मम्मड़खेड़ा तक करीब 40 ऐसे गांव हैं जो सिंचाई से वंचित हैं। ये कह सकता हूं कि उन गांव में सिंचाई प्रक्रिया को जोड़ने के लिए एक नहर निकालने का प्रपोजल है वो आदित्य चौटाला लेकर आए थे, और ये कह सकते हैं कि खुइया मलकाना से चलकर चाहे वो दारेवाला गांव है, कालूवाना गांव है, और ऐसे करीब मम्मड़खेड़ा तक करीब 40 ऐसे गांव थे जहां पे सिंचाई पानी की किसानों को काफ़ी ज़रूरत थी, और उसी को लेकर के ये माइनर निकालने का एक प्रोजेक्ट है वो बनाया गया था। सिंचाई विभाग के 5 चीफ इंजीनियर है, उन्होंने दौरा किया था इसी जगह का जहां मैं मौजूद हूं। चाहे उस पर हम लिफ्ट कनाल के जो चीफ इंजीनियर हैं सतवीर सिंह काद्यान की बात करें, उनके नेतृत्व में एक कमेटी है वो सरकार की ओर से बनाई गई थी। इसके अलावा सिरसा के SC राजेश बिश्नोई है, वो भी इस कमेटी के सदस्य थे। फूलचंद नैन की बात करूं या कुछ और अधिकारी हैं जो सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर थे अलग अलग, तो 5 चीफ इंजीनियर है वो इसी खुइया मलकाना के इस भाखड़ा मेन ब्रांच पे आए थे। और यहाँ पे करीब सैकड़ों की संख्या में जो किसान हैं यहाँ जुटे थे इसी खुइया मलकाना के सिंचाई विभाग के जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे, और ये दावा किया गया था कि आने वाले कुछ समय बाद एक सर्वे करवाया जाएगा, यहाँ से खुइया मलकाना से एक नहर निकालने की बात है वो आदित्य चौटाला कह रहे थे। और इस नहर निकालने के लिए करीब 40 गाँव को सिंचाई प्रक्रिया का लाभ मिलना था, 40 गाँव को सिंचाई से जोड़ना था, लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी जो नतीजा है वो ये कह सकता हूँ कि शून्य के बराबर है। मैं इस समय आज यहाँ ये ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूँ और इस रिपोर्ट को मैं आपको दो फेज में दिखाऊंगा। पहला फेज है जिसको आप देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और दूसरे फेज में हम करीब जो जिन गाँव में सिंचाई प्रक्रिया होनी थी या जिन गाँव की जो फसल थी वो सिंचित होनी थी उन गाँव के किसानों से हम बात करेंगे। पहला फेज यही है कि करीब 5 चीफ इंजीनियर आए और इन 5 चीफ इंजीनियरों का नतीजा क्या निकला। हालांकि इस इलाके के जो सतबीर सिंह काद्यान हैं वो उनका काफ़ी नाम है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि कैनाल, लिफ्ट कैनाल, क्योंकि ये पानी है, क्योंकि जो यहाँ खुइया मलकाना से जो मम्मड़खेड़ा की तरफ जाएंगे तो कुछ जगह ऊंचाई है और काफ़ी कुछ जगह नीचाई है, तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर के लिफ्ट कैनाल के जो चीफ इंजीनियर थे सतबीर सिंह काद्यान हैं, जो काफ़ी उनका नाम है क्योंकि लोहारू और मैं बात करूं इधर भिवानी की तो वहां भी उन्होंने लिफ्ट कैनाल के जरिए ही उन्होंने पानी पहुंचाया किसानों के खेतों में, तो उसी को लेकर के यहां भी उनकी ज़रूरत थी और वो यहां दौरा करके गए थे, किसानों को आश्वासन देकर गए थे कि वो इस माइनर को निकालने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट करेंगे। लेकिन करीब एक साल बीत जाने के बाद भी नतीजा है वो शून्य है, क्योंकि 40 गाँव के जो किसान हैं वो आज भी इस माइनर का इंतजार कर रहे हैं। चीफ इंजीनियरों के दौरे के करीब कुछ महीने बाद डबवाली में जिए जवान जिए किसान रैली है वो आयोजित की गई, और उस रैली में जो अध्यक्ष थे वो आदित्य सिंह चौटाला थे। उन्होंने गांव खुइया मलकाना से लेकर के मम्मड़खेड़ा तक करीब 40 ऐसे गांव थे वहां के लोग हैं उस रैली में बुलाए, और लोगों में उत्साह भी था कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस माइनर को निकालने की घोषणा उस रैली में करेंगे। रैली में अच्छी खासी भीड़ भी जमी और मुख्यमंत्री भी भीड़ को देख करके गदगद नजर आए, लेकिन उस रैली में इस माइनर की घोषणा नहीं हो पाई। हालांकि आदित्य चौटाला है उन्होंने कहा था कि पहले फेज में इस जो भाखड़ा मेन ब्रांच है इसका जो रीमॉडलिंग होगी उसके बाद काम जो है चलेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि करीब एक साल बीत जाने के बाद भी नतीजा है वो शून्य है। रैली में लोगों को
ऐसे बुलाया गया था कि इस माइनर की घोषणा की जाएगी, लेकिन इस रैली में माइनर की घोषणा नहीं की गई। अगली रिपोर्ट में मेरे साथ आप देखेंगे उन गांव के किसानों की बात, जो इस माइनर को लेकर के क्या कहते हैं। करीब एक साल बीत जाने के बावजूद भी नतीजा शून्य है। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।